हेलो व्यूवर्स, मैं हूं आनंद। आपका स्वागत है हमारे चैनल पटना ब्लॉगर्स में। और हर बार की तरह फिर से मैं आपको बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार से टॉपिक पे वीडियो बना करके दिखाने लेके जा रहा। आज के हमारे वीडियो का टाइटल बड़ा ही शानदार है। आज मैं आपको दिखाने लेके जा रहा कि बिहार में एक बहुत ही शानदार IT कंपनी खुलने जा रही है। और ये IT कंपनी कोई और नहीं बल्कि एक बहुत ही शानदार कंपनी है, बहुत ही बड़ी कंपनी है जिसका टर्नओवर हजारों लाखों करोड़ रुपए का है। इस IT कंपनी का नाम क्या है वही मैं आपको बताने के जा रहा। इसके पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताने के जा रहा, बिहार की राजधानी पटना में HCL टेक्नोलॉजीज़ का अपना ऑफिस खोलने जा रहा है। जैसा कि आपको पता ही है, अभी हाल फिलहाल में बिहार में टाइगर एनालिटिक्स का ऑफिस खुला है। ये बिहार की राजधानी पटना में खुला हुआ है। टाइगर एनालिटिक्स जो है वो AI बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनी है। ये जो है US की कंपनी है। अब इसके साथ ही अगला जो ऑफिस, अगली जो IT कंपनी का ऑफिस जो बिहार में खुलने जा रहा है वो भी पटना में, वो कोई और नहीं बल्कि HCL टेक्नोलॉजीज़ है। सरकार ने जो है वो IT इंडस्ट्री को बढ़ावा देते हुए ये घोषणा किया है कि जल्दी ही और भी बड़े बड़े IT कंपनीज के ऑफिस खुलेंगे। इसी संदर्भ में जो है HCL टेक्नोलॉजीज़ का पटना में ऑफिस खुलना तय हो गया है। ये जो है पटना के उद्योग भवन में ये ऑफिस खुलेगा। और उद्योग भवन का ये मैं आपको बता दूं, ये आपका गांधी मैदान में है। तो ये खबर है जिसको कि मैं आपको इस वीडियो के थ्रू दिखाने के चाह रहा। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी। वीडियो अच्छी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हज़ारों लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलने की संभावना है। और बिहार में आने वाले समय में बहुत बड़ी बड़ी IT कंपनीज़ खुलेंगी। IT के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जो है वो असीम संभावनाओं को देखा जा रहा है बिहार में। यही खबर है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि हम यूं ही ऐसे ही नए नए टॉपिक्स पे आपको वीडियो बना करके दिखाते रहें और आपको पता चल सके कि हमारे यहाँ क्या क्या नया नया अपडेट्स है।